प्रभु श्री राम ना दर्शन कर मोहन भागवत उपस्थित है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित है, साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित है। अत्यारे गर्भगृह में अत्यारे राममय माहौल हो प्रकार दृश्य मिली रहा है, साथ तमाम लोग गुस्सा ना माहौल एट्ला है कारण के राम मंदिर आतुरतापूर्वक राह जोई रहा था ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यार तो आ गयो। अपनी साथ डॉक्टर मिताली नाग उपस्थित है कि जो गायक कलाकार है। मिताली जी सौथी पहला तो आपनो स्वागत है निर्माण न्यूज में। मिताली जी सौथी पहला प्रश्न राम मंदिर ने लईने अत्यार तो आपणे चर्चा करी रह्या छे, ज्यां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जेने घणा वर्षोथी लोको राह जोई रह्या हता अने आजे जो एक शुभ घड़ी आवी छे, सौथी पहला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ने लईने आप शुं कहशो? आज का जो ये दिन है हम सभी भारतीय लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि आज इतने सालों से जिसका हम इंतजार कर रहे थे आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम सभी जितने भी श्रद्धालु लोग हैं आज श्री राम जी के इस पावन अवसर पर आज हम लोग उनकी जो ये प्राण प्रतिष्ठा का जो ये अवसर है हम सभी सौभाग्यपूर्ण है कि आज इनको हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और इसका आनंद ले पा रहे हैं। हम सभी कलाकार, मैं सभी कलाकार मित्रों की तरफ से अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज यहाँ पे आपके समक्ष आ सकी हूँ। श्री राम जी के विषय में, उनकी बड़प्पन के विषय में हम क्या कहें कि वो अपने आप में एक महापुरुष थे जिनके पदचिन्ह पे अगर हम लोग चलें तो हमारा जीवन इतना सक्षम रहेगा, हम लोग बहुत ही आगे बढ़ सकेंगे। उनकी जो डिसिप्लिन को हम लोग आज भी हम फॉलो करते हैं कि श्री रामचंद्र जी कितने डिसिप्लिन थे और उनकी जो लाइफस्टाइल को आज भी हम लोग याद करते हैं अपने गीतों के द्वारा, उनकी कथाओं को आज भी हम लोग गाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति हमारे बच्चों में रहें, उनकी जो उन्होंने सिखा के गए हैं, जो गुण उनमें थे उन गुणों को हम लोग थोड़ा सा भी अपने अंदर अगर ला सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये आज हम सभी कलाकारों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पावन अवसर पर हम सब साथ में मिलके उनकी आराधना कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोगों में गुस्सा नो माहौल है कारण के जारे प्रभु श्री राम ना दर्शन करवाना हो, प्रभु श्री राम ना जारे अपने दर्शन ने जे तमाम लोग घड़ी जोता था कि ना आटलो वर्षो थी प्रभु श्री राम ना दर्शन थया नथी आज जारे दर्शन थी रहा है तमाम लोग भाव विभोर थी गया है, तमाम लोग में एक ज है कि ना हवे आजे अमे प्रभु श्री राम ना साक्षात दर्शन करी शकीशु, ज्यां मंदिर हतु त्यां ज मंदिर में अमे सारी रीते दर्शन करी शकीशु तेवो माहौल छे। मिताली जी जारे आपणे राम मंदिर ने लईने चर्चा करी रह्या छीए, આ વખતની જે વાત કરીએ તો જ્યારે 22મી જાન્યુઆરી તારીખ જ્યારે ડિક્લેર થઈ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી તમામ લોકો એક રામમય બની ગયા હતા, રામની ભક્તિ કરતા હતા, તેમની આરતી કરતા હતા, સાથે સાથે પૂજન અર્ચન પણ કરતા હતા। એવું કહેવાય કે આપણે માત્ર ને માત્ર ગુજરાત નહીં અયોધ્યા નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ અત્યારે તો રામમય બની ગયું છે। જી જી જી, આપ સહી કહે રહે હૈ કે જૈસે આજ હમ લોગ દેખ સકતે હૈ કે હર છોટા બડા બચ્ચા હર એજ કે જિતને ભી લોગ હૈ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है और हर एज के जितने भी लोग हैं सब राममय होते जा रहे हैं और सारा माहौल राममय हो गया है और हर कथा में, हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे गीतों में, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ राम भगवान की ही चर्चा हो रही है। तो इससे और बड़ी बात क्या होगी कि हम इस महापुरुष को हर जगह पे हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ हैं। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इस जितनी मोदी जी ने जितने उत्साह से हमारे ये जो इतना बड़ा काम किया है हम लोग सब उनके साथ रहें, उनके साथ मिलकर इतने बड़े काम को संपूर्ण करें। बिल्कुल बिल्कुल, साची बात है। अत्यार तो जा रहे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जे एक बीड़ू झड़पियों हतुं के ना राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, एवी कई घणी बधी जे चर्चाओ थी परंतु तारीख पण जाहिर थई गई, आजे प्राण प्रतिष्ठा पण थई गई। मिताली जी आप खूब ज सारा एवा गायक कलाकार छो, आज राम मंदिर नो जे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव छे तेने लईने शुं कहेशो तमे? अत्यारे तो कविता के गायन तमे अत्यारे तो केवी रीते तमारा भाव रजू करशो? श्री राम की मैं खुद बहुत बड़ी भक्त हूँ और एक उनकी एक बहुत ही सुंदर रचना मैं ईश्वर भक्ति में गाना चाहती हूँ। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन
हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ऐसे कई भजनों को हम गाते हैं। जैसे एक और प्रचलित भजन है जो हम लोग जरूर गुनगुनाते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु मालिक दी मेरे सदगुरु, वस्तु मालिक दी मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो कई ऐसे भजनों को हम सभी कलाकार जरूर गाते हैं और गाना पसंद करते हैं। तो श्री राम भक्ति में ये सभी भजन लीन हैं और इनको हम गुनगुनाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अने साथे जारे तमाम लोगों एम ज कहता हो ना त्यारे राम 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 एक मैसेज शू आपशो लोगों ने, अने एक जारे प्रभु श्री राम नी भक्ति तो अत्यार तो करी ज रहा छे के अत्यारे तमाम लोगों जे प्रभु श्री राम नी भक्ति करी रहा छे, आस्था अने एक श्रद्धा सुमन पण अत्यार तो जो जे अत्यार तो जे अर्पी रहा छे, आप यूथ ने एक शू मैसेज आपवा मांगशो अत्यार तो जे रिलीजियस टूरिज्म उपर अत्यार तो जे प्रमाणे आगळ वधी रहा छे तेना लईने? ये जो आज जो भी हो रहा है, इनको जो जिस वजह से किया जा रहा है, हम सभी हमारे आज के जो यूथ है, जो आज की हमारी जनता है, उनको ये सीखने जैसा है कि जितने भी उनके जो श्री राम ने जिस तरह का उनका कैरेक्टर था, जिस तरह का वो डिसिप्लिन में चलते हैं, अगर हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चलेंगे तो शायद हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे और हम सभी इसी ईश्वर भक्ति में लीन रहें, अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, विश्व में हमारे देश का नाम रोशन करें। बस इसी यही चाहूँगी कि जिस चाह से मोदी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, उनके साथ हम कंधे से कंधा साथ में मिलाएं और सभी यूथ सभी बुजुर्ग लोग हम सभी बच्चे सभी नरेंद्र मोदी जी का साथ दें और ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मिताली जी खूब खूब आभार हमारे साथ आप जुड़ाया अने बहुत सारी भी जे भगवान श्री राम नी जे जे आपणे कथा पण करी साथ साथ तमे भजन पण अत्यारे तो गाया तेना माटे आपनो खूब खूब आभार मिताली जी। तो दर्शक मित्रों, राम मंदिर ऊपर चर्चा विचारणा यथावत राखीशुं। जोता रहो निर्वाण न्यूज़।